बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सालार खान के यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। डायमेंशंस हम स्टडी कर रहे हैं जी। आज का हमारा टॉपिक होगा डायमेंशनल एनालिसिस की यूजेस। तो इसके बेसिकली दो यूजेस है जी। पहला यूज़ है कि हम इससे कोई भी जो क्वांटिटी है उसका पॉसिबल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। पॉसिबल का मतलब मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि हम एक इक्वेशन की करेक्टनेस को इससे थोड़ा बहुत जो है अप टू यू नो 90% हम जज कर सकते हैं। और इस थोड़े बहुत को भी फिर मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो पिछली वीडियो में मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट को डायमेंशनलेस कहा था, तो मैंने गलत कहा था, वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। आपको उधर मुझे बताना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। इधर मैं आज कराता हूँ आपको द डेरिवेशन ऑफ अ पॉसिबल फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ पॉसिबल फार्मूला। पॉसिबल का लफ्ज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ और बाकी अभी। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए आपके पास एक तो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, जिसके लिए आपने फार्मूला जो है वो डिराइव करना है, और दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है, तो वो आपको पता होती है या वो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो फॉर इंस्टेंस मैं फार्मूला निकालना चाह रहा हूँ जी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपको पता है क्या होता है, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड क्या होता है वो भी आपको पता है। अच्छा, ये एक जो है पता एक सरफेस है जहाँ से ये सस्पेंडेड एक मास है, एक मास है, ठीक है। इस स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंडेड है, इस स्ट्रिंग की कोई लेंथ होगी जिसको हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। इस मास का कोई वेट जो है वो एक्टिंग डाउनवर्ड है, कोई मास है, ठीक है, और कोई इस टेंशन इन दिस स्ट्रिंग है जो कि बराबर है इसके वेट के, ठीक है जी। अब आप इसको इधर अपने मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेस करते हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन पर थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा। अब ये इधर से दूसरे एक्सट्रीम तक आएगा और फिर वापस जाएगा, इसको कहेंगे जी वन टाइम पीरियड, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और ये आपका असाइनमेंट नंबर 1.7 भी है। असाइनमेंट नंबर 1.7 आपकी बुक का है, तो ये भी अच्छा हो गया कि इधर आ गया। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इट मे डिपेंड ऑन। तो आपको डिपेंडेंट क्वांटिटीज पता होनी चाहिए और आप उनको प्रोपोर्शनल लिखते हैं, या इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं एज अ डिपेंडेंसी मेजर आपको शो। मैं इधर ये नहीं कह रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं कह रहा हूं दिस जस्ट डिपेंड्स ऑन, ठीक है जी। तो द टाइम मे डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है जी, बिल्कुल। तो लेट्स से मास की सर्टन पावर m टू द पावर a, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है जी। सो लेट्स से लेंथ ऑफ द पेंडुलम की सम पावर b, और फिर है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। तो लेट्स से डिपेंडेंट ऑन सम ग्रेविटेशनल फोर्स टू द पावर c, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बस अब इन्होंने इस थीटा का, टी का जिक्र, टेंशन का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वेट के बराबर है, मास में ऑलरेडी आ गया, और थीटा का जिक्र भी इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि थीटा डायमेंशनलेस है। अगर आप अपने अपने लिए लिखना चाहते हैं तो चले लिख ले थीटा टू द पावर डी, ये डायमेंशनलेस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैं इन सबको कंबाइन करता हूं, लेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए एल बी जी सी थीटा डी, ठीक है जी। मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेलिटी में चेंज करूंगा तो एक कांस्टेंट के लगाऊंगा, एम ए एल एल टू द पावर बी जी टू द पावर सी और थीटा टू द पावर डी, और इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कहता हूं। लेट्स इक्वेशन नंबर वन। अब मैं डायमेंशनल एनालिसिस करता हूं, इसका मतलब मैं दोनों साइडों पे डायमेंशन लेता हूं। तो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड एंड डायमेंशन ऑफ दिस थिंग के
एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी और थीटा की पावर डी। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ एम जीरो एल जीरो टी पावर वन, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, के डायमेंशन लेस है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। एम एम पावर ए मास है, एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी और पेर क्या है जी, जी तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मतलब एल टी पावर माइनस टू होता है। तो लिख के ज़रा एल टी पावर माइनस टू होल टू द पावर सी। और थीटा जो है क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर होता है, तो ये भी एल ये भी एल, तो क्या मैं इसको एल इंटू एल इनवर्स होल पावर डी लिख सकता हूँ? चलिए लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए एम जीरो एल जीरो टी पावर वन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम ए एल बी एल सी टी माइनस टू सी पर एल डी और पर एल माइनस डी। अब इसको जो है तो कंबाइन करें, जिसका मतलब क्या हो गया कि एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू, देखे एम की पावर ए पर एल की पावर बी प्लस सी, बी प्लस सी पर जो है और प्लस डी माइनस डी कैंसल और टी पावर माइनस टू सी। तो इसका मतलब आप इधर से डायरेक्टली कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमें ऑलरेडी पता था, ठीक है जी। बाकी के लिए हम कंपैरिजन करते हैं ऑन बोथ हैंड साइड्स, तो अगर बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर आल्सो सेम वाला फार्मूला के जो भी है वो करते हैं। तो एम का फार्मूला देखे तो एम से आ जाता है ए इज इक्वल टू जीरो, फिर एल ये हमने एम को कंपेयर किया तो ए इक्वल टू जीरो, एल को कंपेयर करें तो बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आता है और टी को कंपेयर करें तो माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, इसका मतलब सी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू। इसको बैक पुट करेंगे तो बी आ जाएगा प्लस वन ओवर टू, समझ आई? अब इसको बैक पुट करें इक्वेशन नंबर वन में, तो वन इंप्लाइज व्हाट, के द टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी के टाइम्स मास की पावर ए, एम की पावर जीरो, फिर है एल की पावर बी, बी है वन ओवर टू, फिर है जी जी की पावर सी, सी है जी माइनस वन ओवर टू और फिर क्या है जी थीटा की पावर डी जो कि है जीरो। तो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन एंड दिस इंप्लाइज के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है के टाइम्स एल टू द पावर वन ओवर टू और डिवाइड बाई जी टू द पावर वन ओवर टू, या फिर मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू के टाइम्स अंडर द रूट एल बाई जी, ये इसका पॉसिबल फॉर्मूला आ गया। अब मैंने इसको पॉसिबल क्यों कहा, पॉसिबल मैंने इसलिए कहा कि मुझे इस के की वैल्यू अननोन है और ये इसकी जो है ड्रॉबैक भी है डायमेंशनल एनालिसिस की कि ये मुझे वैल्यू नहीं देता है इन प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स की। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सिमिलरली अब अगर मैं इसी की फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो वन ओवर टाइम पीरियड नहीं होता, तो क्या फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी इनवर्स नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस इधर तक आप आए, ठीक है, वही फार्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, यही डिपेंडेंसीज है के एम की पावर ए एल की पावर बी जी की पावर सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कहता हूं। अब इन दोनों साइड्स पर अगर मैं डायमेंशन अप्लाई करता हूं तो एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर माइनस वन इसमें आएगा, ठीक है जी, और बाकी इधर इस साइड पे यही आएंगे, यही आएंगे, ठीक है जी, m पावर a l पावर b प्लस सी और t पावर माइनस टू सी, बाकी यही है चीज है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी उधर टाइम था t की पावर वन डायमेंशन थी, इधर t पावर माइनस वन है। तो कंपेरिजन करें जी, कंपेयर करेंगे तो जब m को आप कंपेयर करते हैं तो a वही जीरो आएगा, l को कंपेयर करते हैं तो b प्लस सी जीरो आता है, t को कंपेयर करते हैं तो माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन आता है, c वन ओवर टू आता है, इसको बैक पुट करते हैं तो b माइनस वन ओवर टू आता है। इसका मतलब अब इसको बैक पुट करें इक्वेशन नंबर वन में, सो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है के एम जीरो एल की पावर b है तो माइनस वन ओवर टू है और g की पावर प्लस वन ओवर टू सी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला के अंडर द रूट जी बाई एल आ गया जो कि बिल्कुल ठीक आ गया। और अगेन इसका ड्रॉबैक ये है कि मुझे ये के की वैल्यू नहीं दे रहा।
समझ आई? अच्छा जी, तो ये हो गया जी फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का। अगर लेट से मैं ड्रैग फोर्स की बात करता हूँ, जो कि आपकी बुक का एग्जाम्पल है, अगेन अगर मैं इधर एग्जाम्पल नंबर 1.7 लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1.7 आपकी बुक का एग्जाम्पल है जी। अच्छा, तो क्या कहता है जी, वेयर अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू लिक्विड, द लिक्विड अपोजेज द मोशन विद अ फोर्स एफ, द मैग्नीट्यूड एफ डिपेंड्स। तो देखिए इधर मुझे बात कर रहा है जी एक फोर्स एफ की, द मैग्नीट्यूड डिपेंड्स, तो मैं लिखता हूँ एफ डिपेंड्स ऑन व्हाट, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ईटा पे डिपेंड करता है, और इसके डायमेंशन भी मुझे गिवन है एम एल इनवर्स टी इनवर्स, इसके डायमेंशन है एम एल इनवर्स टी इनवर्स ऑफ द लिक्विड, द रेडियस आर ऑफ द स्फीयर, एफ डिपेंड करता है जी रेडियस ऑफ द स्फीयर पर भी, एंड द स्पीड वी ऑफ द स्फीयर, तो इसका मतलब स्पीड वी पर भी ये डिपेंड कर रहा है। Assuming that F is proportional to different powers, guess a formula for this. तो अभी जो है मैंने ये आपको डिपेंडेंसी बताई, इसको मैं अगर कंबाइन करके लिखता हूं तो ईटा आर वी है, ठीक है, फिर अगर मैं F is equal to k times ईटा आर वी लिखता हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करता हूं, तो डायमेंशन ऑफ F would be equal to the dimension of K eta R V, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। तो और इसमें मैंने पावर्स नहीं लिखे, eta पावर A, R पावर B, V पावर C, A B C, लेट से A B C, और इसको मैं इक्वेशन वन कहता। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आपको पता है M L T पावर माइनस टू होते हैं, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू k की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, ईटा की डायमेंशन आपको गिवन है m l इनवर्स t इनवर्स दिस पावर a, ठीक हो गया जी। फिर r की डायमेंशन जो है लेंथ है l पावर b, और फिर v जो है l t इनवर्स है, इसकी डायमेंशन c, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसको दे दे ये पावर्स, तो m पावर a, l पावर माइनस a, t पावर माइनस a, l पावर b, l पावर c, t पावर माइनस c, ये आ गए इसके डायमेंशन। अब क्या कर रहे, अब दोबारा लिखते हैं m l t पावर माइनस 2, ये फोर्स के डायमेंशन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखे m ओनली वन है जी, m पावर a, फिर l देखे माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b प्लस c, और t देके माइनस ए माइनस सी, समझ आई, बिल्कुल आई। अब कंपैरिजन करते हैं, जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप m की पावर्स कंपेयर करते हैं, तो a आता है इक्वल टू वन, a इक्वल टू वन आता है। जब l की पावर्स कंपेयर करते हैं, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी आता है वन, इसको इधर ही छोड़ दे, और जब t की पावर्स कंपेयर करते हैं, तो माइनस ए माइनस सी आता है माइनस टू। अब a तो आपके पास है माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस सी इक्वल टू माइनस टू, माइनस सी इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और सी इक्वल टू वन, ठीक हो गया। अब a भी आ गया और c भी आ गया, तो इधर से आप b निकाल सकते हैं, तो माइनस वन प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू वन, माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल, बी भी वन आ गए। इनको पुट करें इक्वेशन नंबर वन में, एफ इज इक्वल टू व्हाट, के टाइम्स ईटा की पावर ए, ईटा की पावर ए इज वन, फिर आर की पावर वन बी, और फिर वी की पावर वन सी। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, के इज इक्वल टू एफ के ईटा आर वी, एफ इज इक्वल टू के eta r v, क्या है, सही है, f is equal to k eta r v, बिल्कुल सही है। अब अगेन x k की वैल्यू मुझे पता नहीं है, although कि ये 6 pi है, आपको पता होगी, लेकिन ये मुझे नहीं बता रहा, और ये इसका drawback है of the dimensional analysis, समझ आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ the energy of a photon e is equal to hf,
E is equal to hf is the energy of a photon. Find the dimensions of the Planck's constant h. तो ये जो h आपका Planck's constant है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसको dimensionless बोला था. ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया. तो h, h अगर आप इधर से देखें, क्या ये E by F नहीं होगा? बिल्कुल होगा. E एनर्जी है. आपको मैंने पिछले वीडियो में इसकी डायमेंशन बताई थी कि नहीं? m l square t power minus 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है. और F t power minus 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है. minus 1 ऊपर जाएगा, plus 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि Planck's constant की जो डायमेंशन है वो है m l square t power minus 1. बिल्कुल सही है. ठीक है जी? तो आई बिलीव कि ये आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, तो ये एक जो है डेरिवेशन ऑफ अ पॉसिबल फॉर्मूला. ये नंबर वन यूज है ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है जी? सेकंड जो यूज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.